सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। पीछे वाली वीडियो में आपको प्रश्न नंबर 2 है वो बता दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको पीछे वाली वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि बहुपद दिया गया है 3x की घात 4 प्लस में 6x³ माइनस में 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य दिए गए हैं। तो शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य होते हैं अल्फा बीटा भी हम कहते हैं, और शून्य का वो मतलब एक्स का मान है। तो एक्स के मान हमें 2 तो दिए गए हैं। अब ये जो बहुपद दिया गया है इसके अन्य शून्य को और ज्ञात करने, और कितने शून्य होंगे तो उसका पता हमें कैसे चलेगा? तो हमें ये देखना है जो भी हमें बहुपद दिया जाता है उस बहुपद में बड़ी से बड़ी घात कितनी है। बड़ी से बड़ी घात है इसमें 4, तो इस बहुपद के 4 ही शून्य होंगे। इसका मतलब 2 शून्य तो हमें दिए गए हैं तो हमें 2 शून्य और ज्ञात करने हैं। तो वो कैसे करेंगे तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर देखिए हमें दिए गए 2 शून्य, तो इसका हल करते हैं। आंसर में देखिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमें दिया है, हमें 2 शून्य दिए गए। अब शून्य को हम x बराबर लिखते हैं, तो मैं इसे भी x बराबर लिखूंगा और इसे भी मैं x बराबर लिखूंगा। तो हम लिखेंगे कि x बराबर, एक तो हम लिखेंगे अंडर रूट में 5/3, और दूसरा हम लिखेंगे x बराबर -√5/3। तो ये माइनस में √5/3 ये आ जाएगा। अब जो √5/3 है इसको मैं इस साइड में लेके आऊंगा, तो x तो अपनी जगह रहेगा और ये इस साइड में आके माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा √5/3 ये आ जाएगा, और बराबर में इसके 0 रह जाएगा क्योंकि इसको हमने इस साइड में लेके आए तो इधर 0 रह गया। इसी तरह से हम दूसरे को हल करेंगे, तो ये आ जाएगा x, यहाँ पर ये माइनस में √5/3 है, तो मैं जब इस साइड में इसको लेके आऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा अंडर रूट में 5/3 ये आ जाएगा, और बराबर में 0 रह जाएगा। अब इसके अंदर एक सर्वसमिका लग जाएगी। देखिए x माइनस √5/3, x प्लस √5/3, कौन सी सर्वसमिका लगेगी वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी ये है a माइनस b और a प्लस b, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में एक सर्व, ये सर्वसमिका होती है, तो इस सर्वसमिका के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे। एक बार प्लस और एक बार माइनस में है, तो एक बार तो हम लिख दें ए की जगह तो एक्स है और बी की जगह √5/3 है, तो एक बार तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर करेंगे, ये आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस में यहां पर आ जाएगा 5/3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसको जब सरल करेंगे तो x का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया x स्क्वायर, और माइनस में बराबर में इसके 0 रह जाएगा, और ये रूट और ये स्क्वायर है ये कट जाएंगे तो 5/3 आ जाएगा और बराबर में इसके 0 रहेगा। अब इसका अगर एलसीएम लघुत्तम लेते हैं तो इसको हल करेंगे तो ये 3 है वो इसके साथ में गुणा होगा, यानी कि पूरे समीकरण को या 3 से आप गुणा कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3x² माइनस में ये 5 है वो 5 रहेगा, और जब 3 को मैं इसके साथ में गुणा करूंगा तो वो 0 ही हो जाएगा, तो बराबर में 0 आएगा। या तो आप इसका एलसीएम लो, देखिए मैं बता देता हूं आपको, ये x² माइनस 5/3 बराबर में 0, इसके नीचे एक लिखेंगे, इसके नीचे एक लिखेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे 3 आएगा एलसीएम। अब 3 से ये गुणा हो जाएगा तो ये 3x², 3 से 3 कट जाएगा तो ये 5 रह जाएगा, और 1 का भाग 3 में गया 3 बार, 3 को मैं 0 से गुणा करता हूं तो 0 ही आएगा। अब बराबर के चिन्ह के दोनों साइड से हमने एलसीएम लिया है, तो एलसीएम को अब यहाँ पर ही छोड़ देंगे, जो हमारे पास में ये संख्या रही है उसको लिख लेंगे, तो 3x² माइनस 5x इज इक्वल टू 0, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जो भी हमारे पास में उत्तर आया है 3x² माइनस 5, ये क्या होगा? ये दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, ये हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे कि 3x² माइनस 5 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, दिए गए बहुपद का ये गुणनखंड है। अब इसका हम भाग देंगे इस बहुपद के अंदर,
तो पीछे वाले क्वेश्चन मैंने आपको भाग करना बताया था, उससे पहले वाले भी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर एक में, तो उसी तरह से यहां पर हमें भाग देना है। तो 3x² - 5 का बहुपद में भाग देने पर, तो यहां पर हम ये चीज लिख सकते हैं। उसके बाद में हम भाग देंगे 3x² - 5 का, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 3x² - 5, इसका हम भाग देते हैं। तो जो बहुपद दिया गया है 3x की घात 4, उसके बाद में प्लस में 6x³, माइनस में 2x², माइनस में 10x और माइनस में 5, ये बहुपद हमें दिया गया है, तो इसमें हम भाग दे देंगे। तो पहले हम भाग किसका देंगे, देखिए यहां पर है 3x की घात 4, इसके अंदर 3x² यानी पहले पद में पहले पद का भाग दिया जाता है, तो 3x की घात 4 में 3x² का भाग देंगे। तो चलिए साथ में हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हमने भाग दिया 3x की घात 4 में 3x² का, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणा x की घात 4 का मतलब है x गुणा x गुणा x गुणा x, और इसके बट्टे में 3 का 3 और x² का मतलब है x गुणा x। तो 3 से 3 कट गया, 2x यहां पर है, ये 2x कट जाएंगे, तो x गुणा x रह गया, इसका मतलब होता है x स्क्वायर। तो x² बार भाग चला गया। अब x² को मैं इसके साथ में वापस गुणा करूंगा, तो 3x की घात 4 ही बन जाएगा। फिर -5 को x² से गुणा करेंगे तो -5x² आ जाएगा, तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा माइनस में 5x², क्योंकि ये स्क्वायर का पद है, तो इसके नीचे स्क्वायर वाला पद आएगा। अब इसका हम चिन्ह है वो चेंज करते हैं, ये माइनस हो गया तो ये प्लस माइनस कट जाएंगे और ये प्लस हो जाएगा, लेकिन उससे पहले 6x³ है, ये लिख देते हैं 6x³, और ये प्लस में 5x² माइनस में 2x², तो प्लस में रह जाएंगे 3x² और माइनस में 10x और माइनस में 5। अब फिर से हम 6x³ में 3x² का भाग देंगे, तो ये हो गया 6x³, इसके अंदर हम भाग देंगे 3x² का, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 3 का भाग इसमें चल जाएगा 2 बार, तो ये आ गया 2x³ का मतलब x गुणा x गुणा x, और बट्टे में x² का मतलब x गुणा x, ये जो 2x है वो इनसे कट जाएंगे, तो उत्तर क्या आएगा 2 गुणा x, यानी कि 2x, और वो भी प्लस में, तो यहाँ पर प्लस में हम लिखेंगे 2x। अब 2x को 3x² से जब गुणा करेंगे तो 3 जब 2 से गुणा होगा 6 बन जाएगा, तो इसके नीचे आ गया 6, और x को x² से गुणा करेंगे तो x³ बन गया। उसके बाद में 2x को -5 से गुणा करेंगे तो -10x आ जाएगा, तो माइनस में 10x इसके नीचे लिखेंगे, x का जो पद होता है उसके नीचे x के पद को लिखते हैं, तो ये आ गया माइनस, तो ये कट जाएंगे प्लस माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस ये भी कट जाएंगे, तो ये आ गया 3x² और माइनस में ये 5 रह गया। अब ये दोनों जो पद है वो सेम है, 3x² - 5, ये भी 3x² - 5, जब संख्या एक जैसी होती है और उनमें भाग दिया जाता है तो वो भाग जाता है एक बार, तो प्लस में एक बार भाग चला जाएगा, तो ये भाग इसके अंदर चला गया, तो इसके नीचे मैं सेम टू सेम लिख देता हूँ 3x² - 5, क्योंकि इसका भाग सेम है ये दोनों, तो ये होगा माइनस में और ये होगा प्लस में, तो दोनों ही कट जाएंगे, तो शेषफल क्या आया, शेषफल 0। अब हमारे पास में एक बहुपद बन गया x² + 2x + 1, ये भागफल आ गया। अभी भी हमें शून्यक निकालने पड़ेंगे, अभी शून्यक नहीं आएंगे इसके, अब शून्यक निकालेंगे। तो अब हमें लिखना क्या है, अब हमें ये लिखना है कि x² + 2x + 1 के गुणनखंड करने पर, अब इसके गुणनखंड करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये जो भागफल आया है ये एक द्विघात बहुपद है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि x² + 2x + 1 के गुणनखंड करने पर, अब इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो द्विघात बहुपद है, उसके गुणनखंड कैसे होते हैं वो मैं आपको काफी बार बता भी चुका हूं, चलिए यहां पर करेंगे। x² के पास में कोई भी संख्या नहीं है, 1 मान लेते हैं, यहां पर भी लास्ट में 1 है, तो 1 को जब 1 से गुणा किया तो 1 आया, तो यानी कि गुणा करने पर 1 आना चाहिए, ऐसी संख्या गुणा करने पर 1 आए। यहां पर प्लस का चिन्ह है, एक्स के गुणा में 2 है, तो प्लस का मतलब हो गया जोड़ने पर 2 आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 2। ऐसी संख्या जिनको गुणा किया जाए 1 आ जाए और जोड़ने पर 2 आ जाए, तो वो संख्या 1+1 होती है। देखिए दोनों को गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा और 1+1 करेंगे तो 2 आएगा, तो ये जो संख्या है वो इस 2 की जगह लिखनी है, जो 2 लिखा हुआ है उसकी जगह लिखेंगे। यहां पर x² का x² यह आ जाएगा, और ये प्लस इस 2 की जगह हमें लिखना है 1+1, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं 1+1, और गुणा में ये x और प्लस में 1,
चलिए आगे हल करते हैं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में एक को x से गुणा करेंगे, एक एक्स, एक एक्स का मतलब होता है x, फिर प्लस एक को x से गुणा करेंगे तो x ही आ जाएगा और प्लस में एक। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, चलिए मैं आगे बताता हूं, दो पद ये हैं, दो पद ये, इधर से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा x, यहां पर x रह गया और प्लस ये x कॉमन आ गया तो प्लस में एक रह गया, और इस साइड में कॉमन अगर नहीं आता तो हम मान लेंगे कि प्लस में एक कॉमन है, ये प्लस तो है ही, एक कॉमन ले लेंगे तो x प्लस एक सेम टू सेम आ जाए। यानी कि कॉमन का मतलब क्या है, जो हमने एक लिया है उस एक का भाग अगर हम x में देंगे तो x ही आएगा, उसके बाद प्लस इस एक में एक का भाग देंगे तो एक ही आएगा, तो इस तरह से हल करेंगे। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए तो दोनों में से एक ब्रैकेट लिख लेंगे x प्लस एक, और दूसरे ब्रैकेट में जो हमने कॉमन लिए है वो लिखेंगे तो x प्लस एक, ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाएंगे लेकिन दोनों सेम ही रहेंगे। अब हमें जो शून्य ज्ञात करने वो कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो दोनों ब्रैकेट है इनको हम जीरो के बराबर लिखेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए जीरो के बराबर लिखते हैं, तो x प्लस एक आ जाएगा x प्लस एक। अगर मैं इसके बराबर जीरो लिखता हूं तो x का मान क्या आएगा, ये एक है वो इस साइड में आएगा माइनस में एक हो जाएगा, यह आ गया। इसी तरह से दूसरे ब्रैकेट x प्लस एक, इसको भी मैं जीरो के बराबर लिखता हूं तो ये एक इस साइड में आएगा तो x का मान माइनस में एक आ जाएगा। तो इस तरह से दो शून्य का जाएंगे, एक तो माइनस एक ये हो जाएगा x का मान और एक माइनस एक ये हो जाएगा, तो इस तरह से जो शून्य होंगे वो माइनस एक और माइनस एक, ये इसके शून्य का जाएंगे। तो दो शून्य तो हमें पर्सन में दिए गए हैं, ये दो शून्य, और दो शून्य हमने ज्ञात कर लिए इसके। तो इस तरह से कंप्लीट आपको पूरा जो क्वेश्चन है वो आपको हल करना है। कब करना है, जब हमें कोई भी बहुपद दिया गया और उस बहुपद के दो शून्य दिए गए होते हैं और उसके अन्य शून्य अगर हमें ज्ञात करने होते हैं, तो इस प्रोसेस से हम, इस प्रक्रिया से हम पूरे को सरल करते हैं और लास्ट में शून्य का वो ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको हल करना है, मैंने आपको कंप्लीट तरीका इसका बता दिया है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, फिर भी इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।